बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने स्मार्ट किचन में। और आज हम बनाएंगे स्मार्ट किचन में चिकन ब्रोस्ट। तो जी व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए। मेरे पास सबसे पहले मैंने दिया है 1/2 kg चिकन, और मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कलवंजी 1/4 टेबल स्पून, हल्दी वो भी चम्मच चौथाई हिस्सा चम्मच का, और एक चम्मच लिए मैंने खुश्क धनिया, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है नमक, और ये 1/2 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच लिए मैंने गरम मसाला, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन, और 1/2 चम्मच मैंने दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 1 चुटकी मैंने दिया है जर्दे का कलर, और ये मेरे पास 1 प्याली दही है, और ये 1 चम्मच तकरीबन मेरे पास सोया सॉस, और 1 चम्मच चिली सॉस। तो चलें व्यूअर्स, हम सबसे पहले लेते हैं एक बॉल, उसमें डालेंगे हम दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सॉरी व्यूअर्स, बताना भूल गई थी, मैंने लिया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें जो है चिल्ली सॉस, सोया सॉस, और ये सारे मसाले जाएंगे इसमें। तो हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो डालेंगे इसको चिकन में, और हम इसको अच्छे से मसाला लगाएंगे। चलें व्यूअर्स, अच्छे से मसाला लगाकर फिर हम आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अच्छे से मसाला लग चुका है, और ये मेरे पास था 2 टेबल स्पून नींबू का रस, ये भी हम इसमें डालेंगे, और अब हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 1.5 घंटे का, फ्रिज में रख देंगे हम इसको, ताकि ये मसाला जो है अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। तो चले व्यूअर्स, जब तक ये होता है तो फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। जी बस ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है एक चिकन को पकाने के लिए, और मैंने इसमें डाला है डालूंगी 2 चम्मच ऑयल के, और यहाँ पर हमारा चिकन भी सेट हो गया है, सारा मसाला इसमें जज्ब हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, तो अब हम अपनी कढ़ाई में इसको डालेंगे, तो इसको पकने के लिए हम तकरीबन 20 मिनट में पकेगा। अब हम इसको पकाएंगे दम, ताकि ये अब इस दही में और ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा, इसी में ही गल जाएगा। तो चलें बस ये पकता है और तैयार होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी बस ये देखें, हमारा चिकन पक रहा है, और इसने अपना पानी भी छोड़ा हुआ है। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरा चिकन बिल्कुल पक चुका है, तो अब हम इसको करेंगे रोस्ट। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इसको करते हैं रोस्ट। जी व्यूअर्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है,
हमने इतना ही इसको गर्म रखना है। तो अब हम इसको इतना करेंगे कि लगता कितना कलर चेंज हो जाता। चले व्यूअर्स इसको रोस्ट करके फिर हम आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स ये देखें हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। तो चले अब हम इसकी दिखाते हैं फाइनल लुक। जी व्यूअर्स ये देखें हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।